वक्त, तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से फिर से रिज्वाइन कर लोगे क्लास। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो आपको पता है हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1, और अगले वीक से, नेक्स्ट वीक से आपकी एग्जाम शुरू होने वाली है, सैट एग्जाम। तो सैट एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसी पे आधारित कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे आपके एग्जाम बुक से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, उसके बाद अगले चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है, तो पहले नंबर सिस्टम को देखते हैं। नंबर सिस्टम से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या क्या चीज पता होना चाहिए। तो पहला जो कंसेप्ट है हमारा, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। जब उसके पहले के कुछ कंसेप्ट जैसे कि संख्या रेखा, नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन यानी संख्या रेखा, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, पूर्णांक यानी इंटीजर, ये सारे चीज मैंने कई बार डिस्कस कर रखा हूँ। ठीक है, काफी बार ये सारी चीज डिस्कस हो चुकी है, तो ये सारे अभी डिस्कस नहीं करते हैं, है ना। आई होप कि ये सारी चीज आपको याद होंगी। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, नंबर लाइन क्या है। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या पे, क्योंकि तो परिमेय संख्या पे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम। देखो, क्लास में मैंने पढ़ाया था और अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये ध्यान देना कि जरूरी नहीं है कि हमेशा परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में ही दी जाए आपको। पी बटा क्यू के रूप में आप उसको अगर कन्वर्ट कर सकते हो, अगर पी बाई क्यू के रूप में उसको व्यक्त कर सकते हो, उसको बदलकर लिख सकते हो, तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। अब पूछोगे कि सर पी क्या है और क्यू क्या है, बोलेंगे सर अगर पी और क्यू क्या है, पूर्णांक होना चाहिए और क्यू यानी जो हर है आपका नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब एक बार मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ, यहाँ पर तीन चीज होता है। पहला चीज, पी बटा क्यू के रूप की संख्या होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि पी बटा क्यू रहे, अगर पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो परिमेय संख्या होगा। जहां पर पी और क्यू क्या होना चाहिए, पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक होना चाहिए यानी दोनों ही इंटीजर होना चाहिए, ये जरूरी है। साथ ही के साथ क्यू यानी हर यानी डेनोमिनेटर ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना। अंश हमारा 0 हो सकता है, पी का वैल्यू 0 हो सकता है, क्यू का वैल्यू 0 भी होना चाहिए। ठीक है, इतना कंडीशन आपको याद रखना होगा। तो अभी मैं उदाहरण अगर लिखूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, जैसे कि अगर मैं लिख दूं यहां पर 5/7, तो आप बोलोगे सर 5/7 क्या है, ये पी बटा क्यू के रूप में लिखा हुआ है, पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया है, जहां पर पी का वैल्यू 5 है और क्यू का वैल्यू 7 है। पी क्या है, पी का वैल्यू 5 है और पी क्या है, पूर्णांक है, 5 क्या है, पूर्णांक है, क्यू क्या है, 7 है और 7 भी पूर्णांक है, तो ये दोनों पूर्णांक है, तो बोलोगे सर पी बटा क्यू के रूप में 5/7 क्या है, एक परिमेय संख्या। ये क्लियर हुआ, परिमेय संख्या कैसा दिखेगा। अच्छा, पूर्णांक सभी को याद है, बताइए, पहले तो ये बता दो पूर्णांक की बात हो रही है, पूर्णांक याद है ना सभी को, कैट में लिख दो फिर। ठीक है, पूर्णांक में कोई डाउट तो नहीं, ठीक है, चलो देखो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ पूर्णांक, एक बार आपको पता होना चाहिए अगर किसी को भी डाउट है तो। पूर्णांक मैं जब भी बोलूँ तो आप बोलना पूर्णांक तीन टाइप के नंबर होते हैं सर, नेगेटिव वाला भी होता है, 0 भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ 0 तो ये भी पूर्णांक होगा, अगर मैं इधर लिखूँ 1 2 3 4 दाएं तरफ 1 2 3 4 अनंत तक, तो ये भी पूर्णांक होगा, और मैं लिखूँ -1 -2 -3 तो ये भी पूर्णांक होगा। तो ये सारे नंबर पूर्णांक होते हैं, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और 0 भी। तो अगर मैं लिखूँ 5 तो हाँ ये पूर्णांक है, मैं लिखूँ 3 तो पूर्णांक है, -3 ये भी पूर्णांक है और 0 भी पूर्णांक है। इतना क्लियर है सभी का, ठीक है, पूर्णांक यस समझ में आ गया। सर, तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि चलो मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर -3/13, ये एक परिमेय संख्या है क्या, यस और नो, ये परिमेय संख्या है या नहीं, बस इतना बताइए, यस और नो, चैट में लिखना है, चैट में लिख दो। ठीक है, तो सभी लोग कह रहे हो यस, तो बिल्कुल ये परिमेय संख्या है, क्योंकि आप बोलोगे सर यहाँ पर इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया है ना, पी का वैल्यू कितना है, इसको आप बोलोगे सर ये पी बटा क्यू के रूप में लिख कर दिया गया है, जहां पर पी का वैल्यू -3 और क्यू का वैल्यू 13 है। पहले हमें देखा कि पी बटा क्यू का रूप है, दूसरा चीज हमें दिख रहा है कि पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी पूर्णांक होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी पूर्णांक होते हैं, तो ये दोनों ही पूर्णांक है। क्यू का वैल्यू 0 नहीं है, नीचे में 0 नहीं है, 13 है ना, क्यू का वैल्यू नीचे में 13 है, तो कहोगे सर ये परिमेय संख्या, तीनों ही कंडीशन फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है,
हम कहेंगे -3/13 परिमेय संख्या। अरे सभी को आवाज क्लियर जा रही है क्या? एक बार वाई या एन लिख के बताइए, आवाज क्लियर है? ठीक है, तो सारिका आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, ठीक है, आवाज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बाकी सभी को क्लियर है, तो जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है ना, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो। तो अगर मैं लिखूं यहां पर माइनस, इस बार मैं प्लस लिख रहा हूं, इसको मिटा, मैं लिख रहा हूं 13/-5। बताइए ये परिमेय संख्या है क्या? 13/-5 एक परिमेय संख्या है, यस और नो? तो यस लिख रहे हो, बिल्कुल। आप बोलोगे सर ये क्या है, P/Q के रूप में लिखा गया है नंबर। अगर P/Q के रूप में लिखा गया है तो आप चेक कर लो, नीचे में तो जीरो नहीं है, साफ दिख रहा है नीचे में जीरो नहीं है। दूसरा कंडीशन मिल गया हमारा, ठीक है, नीचे में जीरो नहीं है। P का वैल्यू कितना है कोई बता सकते हो क्या? P का वैल्यू 13, ठीक है, 13 क्या है, पूर्णांक है, चलो ठीक है। Q का वैल्यू कितना है? -5। और बोलोगे सर -5 भी एक पूर्णांक है, दोनों ही पूर्णांक दिख रहे हैं, ऊपर में भी पूर्णांक नीचे में भी पूर्णांक, नीचे में जीरो नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या होगा, इतना तो क्लियर हो गया। अगर ऐसा नंबर आएगा तो परिमेय संख्या होगा, आसानी से देखकर बता देंगे। चलो अगर मैं लिखूं इस टाइप का नंबर, अभी मैंने बोला ना कि जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में लिख कर ही दी जाए आपको। अगर मैं ऐसे लिख दूं, सिर्फ और सिर्फ यहां पर लिख दूं 5, बताइए 5 को जो एक पूर्ण संख्या है, या कह सकते हो जो एक पूर्णांक है, जो एक प्राकृतिक संख्या भी है, क्या ये एक परिमेय संख्या भी है? हाँ या ना? ये एक परिमेय संख्या भी है? हाँ, तो मुस्कान कह रही है, यस सर, वेरी गुड। तो मुस्कान कह रही है कि सर इसको मैं 5 को 5/1 लिख सकता हूँ, या लिख सकती हूँ, ठीक है, 5/1। ठीक है, तो किसी भी प्राकृतिक संख्या को, किसी भी पूर्ण संख्या को, या किसी भी पूर्णांक को आप नीचे में एक लगा सकते हो। ठीक है, किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो एक लिख सकते हो। तो बोलेंगे सर भले ही ये P/Q के रूप में नहीं लिख कर दिया गया था, लेकिन इसको मैंने P/Q के रूप में लिख लिया, इसको व्यक्त कर लिया, जहां पर मुझे दिख रहा है P का वैल्यू 5 और Q का वैल्यू 1। P का वैल्यू 5 और Q का वैल्यू 1 हो जाने के कारण ये दोनों ही पूर्णांक है, P/Q के रूप में आ गया, और नीचे में जीरो नहीं है, नीचे में एक है, तो इसलिए ये हमारा परिमेय संख्या होगा। यस, इतना क्लियर है? अगर मैं लिख दूं यहां पर -20, बताइए ये एक परिमेय संख्या होगा? यस सर, ठीक है, तो इसको भी आप लिखोगे सर -20 लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ -20/1। ठीक है, -20y1। तो -21y1 लिखने का मतलब ऊपर में P का वैल्यू मुझे दिख रहा है -20, नीचे में Q का वैल्यू मुझे दिख रहा है 1, दोनों ही पूर्णांक है। किसी भी नंबर के नीचे में ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर अगर सिर्फ ए लिखा गया है तो उसको आप a/1 लिख सकते हो। ठीक है, नीचे में एक लगा सकते हो। तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये सारे परिमेय संख्या है। तो जितने भी पूर्णांक होंगे, जितना प्राकृतिक संख्या होगा, जितना भी पूर्ण संख्या होगा, सारे के सारे परिमेय संख्या होंगे। क्लियर इतना? अगर मैं एक दशमलव संख्या लिख दू, अगर मैं लिख दू यहाँ पर 5.3, यह एक परिमेय संख्या है क्या? परिमेय है या नहीं है? वेरी है सर। यस, यह भी परिमेय संख्या। बोलो सर इसको लिख सकते हो ना, 5.3 लिखेंगे, आपको दशमलव को बदलने के लिए बताया गया था, इस पॉइंट को आप हटाओगे और नीचे में पॉइंट को हटाने के बाद एक लिखोगे, बोलोगे सर इसके बाद में एक अंक है तो यहाँ पर 10 लगा देंगे, तो 0 लगा देंगे। तो बोलोगे सर ये बन गया 53/10। देखो यहाँ पर दिया गया था 5.3, जो P/Q के रूप में नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको मैंने कन्वर्ट करके इसको मैंने P/Q के रूप में लिख दिया और ये बन गया 53/10। अब याद देखते हैं कि नीचे में जीरो है क्या, तो नीचे में जीरो नहीं है, नीचे में 10 है। ठीक है, नीचे में 10 है। अब P का वैल्यू 53 है, Q का वैल्यू 10 है, दोनों ही पूर्णांक है, तो हम कहेंगे 5.3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जितने दशमलव संख्या होंगे सारे के सारे परिमेय भी हो जाएंगे। इतना क्लियर है? इवन मैं नेगेटिव भी लिख दूं, -3.2 भी लिख दूं, तो यह भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यह भी एक परिमेय संख्या होगा। चलो इतना सारा चीज क्लियर है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, याद कर लेना एकदम। जीरो के बारे में बताइए, शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं? यस यस सर, और नो सर, सर है।
0/1, 0/2। ठीक है, 0/1, 0/2, वेरी गुड। देखो जीरो को ना, आप जीरो को आप 0/1 भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं 0/2 पूछूं तो 0/2 का भी मान 0 है। अगर मैं 0 को 5 से भाग लगा दूं तो 0/5 का वैल्यू भी 0 है। 0/15 लिख दूं तो इसका वैल्यू भी 0 है। मतलब 0 के नीचे आप कुछ भी लगा सकते हो। ऐसे जनरली 0 के नीचे 1 तो लगा ही सकते हैं। इतना अगर नहीं भी आप देखो तो सभी का मान 0 है। लेकिन अगर ये नहीं भी देखो, चलो इसको मैं नहीं भी लिख रहा हूँ, मान लो इसको मिटा दो, आप इतना तो कह सकते हो ना सर, किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 है तो नीचे 1 तो लगा ही सकते हो ना। 0 के नीचे आप 0/1 लिख सकते हो। तो अगेन ये P/Q के रूप में आ गया। अब चेक करो P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 0 है, Q का वैल्यू कितना है, 1 है। तो ये दोनों ही पूर्णांक दिख रहे हैं ना, ठीक है, दोनों ही पूर्णांक दिख रहे हैं। P भी 0 पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, पूर्णांक में 0 भी आता है। तो आप बोलोगे सर यह एक परिमेय संख्या होगा, 0 एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो ये याद कर लेना कि 0 एक परिमेय संख्या होगा, क्लियर है। शून्य एक परिमेय संख्या होती है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शून्य एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। 0 को आप 0/1 लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन यहीं पर ध्यान दीजिएगा कंफ्यूजन कहाँ पर होता है, ठीक है। ये मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि 0 को आप 0/1 लिख सकते हो और ये P/Q के रूप में आ गया और यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यहां पर अगर मैं इसका जस्ट उल्टा कर दूं, अगर मैं पूछूं कि मुझे बताइए क्या 1/0 परिमेय संख्या है क्या, नो सर। तो आप बोलोगे नो, वेरी गुड, कहोगे ये परिमेय संख्या नहीं। रीजन बता सकते हो कोई? सर इसके डिनोमिनेटर जीरो है। जीरो है अच्छा, कोई एक, चलो साक्षी आप बताओ, सर क्योंकि सर और में जीरो है सर। चलो मुस्कान आप बताओ, क्या ये रीजन सही है? हाँ, यस सर, तो आप बोलोगे क्योंकि सर, इसका रूल है पी बट क्या होना चाहिए, लेकिन क्या इसे को नॉट जीरो, इसलिए इसमें क्या जीरो है, इसलिए ये प्रीमा संख्या नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड, काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन था। ये भी चीज मैं बोलने वाला था, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप की संख्या होती है, जहां P भी पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 1 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, प्रॉब्लम क्या है? तो आपको साथ में एक चीज और बताया था कि Q का वैल्यू यानी हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, नीचे में कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे सर नीचे में 0 दिख रहा है ना, हर में 0 आ गया, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये एक परिमेय संख्या निकल आएगा। कुछ भी अगर मैं लिख दूं ऐसे 5/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं है। मैं लिख दूं 13 -13/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर है, हर में अगर 0 आ गया तो परिमेय नहीं होगा, अंश में 0 हो सकता है, हर में 0 नहीं हो सकता, ठीक है। चलो अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताइएगा। चलो पहला क्वेश्चन है आपके सामने आज का, आंसर कहाँ करना है, कोई पोल नहीं दिया जा रहा, चैट में आंसर करना है। पूछा जा रहा है कि -25 एक परिमेय संख्या है क्या, यस और नो? काफी आसान सा लग रहा होगा, अभी मैं क्वेश्चन किया हूं ऐसा, ठीक है। तो आप लिखोगे सर माइनस का 25 को आप लिख सकते हो -25/1, ठीक है, -25/1। तो इसको आप बोल सकते हो सर ये क्या है, एक P/Q के रूप की संख्या में व्यक्त किया गया है। P का वैल्यू मुझे दिख रहा है -25, Q का वैल्यू मुझे दिख रहा है 1, और जहां पर मुझे दिख रहा है दोनों ही पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय संख्या, ठीक है, यह एक परिमेय संख्या। चलो यहां पर एक चीज और ध्यान देना, कैसा वाला नंबर परिमेय संख्या नहीं होगा। देखो एक कंसेप्ट होता है वर्गमूल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखिएगा। वर्गमूल का सिंबल होता है, इसको लिखने का तरीका होता है ऐसे, ठीक है, ये वर्गमूल का सिंबल है, साइन है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई नंबर वर्गमूल के अंदर लिखा गया है और अगर गुणा में लिखा गया है, तो जोड़ा आपको देखना है। अगर कोई नंबर दो बार लिखा गया है जोड़ा में है, ठीक है, आपको जोड़ा बनाना है यानी पेयर बनाना है, तो एक बार वो नंबर बाहर आ जाएगा, ध्यान देना कि बीच में गुना ही का साइन होना चाहिए, तो आप इसका वैल्यू बोलोगे सर ये 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, तो एक बार बाहर आएगा। क्लियर है हुआ इतना, ये क्लियर हुआ। यस सर। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 3 × 3, इसका मतलब क्या होगा, इसका वैल्यू बोलोगे सर 3 दो बार लिखा गया है, सर एक बार बाहर आ जाएगा, ठीक है। पहला टाइप समझ में आ गया, ये अगर दो बार बाहर रहेगा, कभी भी दो बार अंदर अगर रहेगा तो एक बार मैं उसको बाहर निकाल के लिख दूंगा, ठीक है, 5 आ जाएगा। अब दूसरा टाइप देखते हैं, वर्गमूल में कई बार ऐसा लिख के दिया जाएगा a × a × b, तो आप बोलोगे सर इसको क्या करें,
ये देखो ए को देखिए, ये दो बार लिखा गया है, ए का जोड़ा बन रहा है ना, यहाँ पर भी ए है यहाँ पर भी है, तो ए को तो बाहर कर दो। बी का कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा, बी अकेला है, तो बी अकेला है तो बी वर्गमूल के अंदर रह जाएगा, तो इस टाइप से लिखोगे ए रूट बी। क्लियर इतना? तो अगर मैं इसका उदाहरण दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं 5 × 5 × 2, तो आप बोलोगे सर इसको क्या करेंगे, 5 2 बार लिखा गया तो एक बार बाहर लिख दो, और 2 अकेला रह गया तो अकेला वाला नंबर वर्गमूल के अंदर रह जाएगा, जो जोड़ा नहीं बनेगा वो अंदर रह जाएगा, 5√2 आ जाएगा। क्लियर है इतना? यस सर, यस सर। मैं एक और लिख रहा हूं, यहां पर मैं दू अगर 7 × 7 × 7, इसको क्या करोगे, देखो सेम नंबर 3 बार लिखा गया, अब क्या करोगे, बोलोगे सर 7, इसको देखिए 7 2 बार तो लिखा गया ना, ये जोड़ा बनाइए, 7 × 7 का जोड़ा बनाइए, तो ये जोड़ा से एक 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये अकेला रह गया, ये वाला 7 का कोई जोड़ा नहीं, अकेला रह गया, तो ये अकेला रह गया तो ये 7√7 बचेगा। ये समझ में आया? यस सर, ठीक है। अब अगर कोई भी जोड़ा नहीं बने तो क्या करोगे, जैसे कि अगर मैं ऐसे लिख दूं वर्गमूल x × y, देखो ये सरल नहीं होगा, क्योंकि आप बोलोगे सर x भी एक बार लिखा गया y भी एक बार लिखा गया, तो ये बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 2 × 3, तो 2 × 3 लिख रहा हूँ, तो 2 देखो एक बार ही लिखा गया है, 3 भी एक बार ही लिखा गया है, तो यहाँ से आ जाएगा वर्गमूल 6, बस 2 और 3 को गुना कर दिया, 2 और 3 को गुना कर दिया, 6 आ गया। इसको कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, वर्गमूल का वर्गमूल ही रह जाएगा, देखो वर्गमूल खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर वर्गमूल 5 × 3, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर इसको क्या करेंगे, अंदर में 5 अकेला है 3 अकेला है, तो ये आ जाएगा 15, 5 × 3 15। क्लियर है ये? ठीक है, चलो रिपीट कर रहा हूँ, यस चलो इसको रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी नंबर अगर ऐसा लिखा गया जो अकेला है तो वो सिंप्लीफाई नहीं होगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5 × 7, तो देखोगे सर 5 भी एक बार लिखा गया है, 2 नंबर तो है लेकिन 5 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 5 एक ही बार लिखा गया है, तो 5 एक ही बार लिखा गया तो 5 अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा, 7 एक बार ही लिखा गया तो 7 भी अंदर ही रहेगा, तो इसको बस सीधे सीधे आप क्या करना 5 और 7 को गुना कर देना, और बोलोगे सर ये आ जाएगा 35। क्लियर है इतना? बताइए अब क्लियर है? सर, तो इस टाइप से हम लोग करते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, अब आपको कोई भी नंबर लिख के दिया जाए ना, आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, जैसे कि मैं लिख रहा हूं वर्गमूल 25, तो ये मत बोलना कि सर 25 तो एक ही बार लिखा गया, ये अंदर 5 25 ही रहेगा, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। आप देखो 25 को सर मैं क्या गुना कर सकता हूँ, कोई सेम नंबर को गुना करके व्यक्त कर सकते हैं, तो 25 को आप लिख यस सकते हो सर, सर 5 × 5, 5 को 2 बार गुना करोगे तो 25 आ जाएगा, तो अब बोलेंगे सर √25 को क्या लिखेंगे, वर्गमूल 25 को 5 लिख दें, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि वर्गमूल 25 जो होगा इसको सॉल्व करने पर 5 आ जाएगा। इतना क्लियर है? वर्गमूल 25 का मान 5 आएगा। मुझे बताइए अगर मैं लिखूं वर्गमूल 4, वर्गमूल 4 का वैल्यू कितना आएगा, वर्गमूल 4 को आप सॉल्व करोगे सर बोलोगे 4 को 2 नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 को 2 बार गुना करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 को 2 बार गुना करोगे, यहाँ पर 2 बार 2 दिख रहा है तो एक बार बाहर आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं वर्गमूल 4 का जो मान है ये 2 के बराबर, ठीक है, वर्गमूल 4 का मान 2 के बराबर। अगर मैं यहाँ पर लिख दू वर्गमूल 8, तो वर्गमूल 8 को कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप बोलोगे सर वर्गमूल 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, समझ में आया, 2 को 2 से गुना करोगे 4 मिलेगा, 4 को 2 से गुना करोगे 8 मिलेगा, 2 को 3 बार गुना करोगे 8 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां से बोलोगे सर 2 2 बार लिखा गया ना, एक जोड़ा बन रहा है 2 और 2 का, तो इस जोड़ा में से 1 2 बाहर आ जाएगा। अब ये वाला 2 को देखिए, ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ ये अकेला रह गया, तो ये अकेला रह गया तो अंदर रह जाएगा, 2√2 आएगा। ये समझ में आया? वर्गमूल 8 का मान 2√2 होगा, तो वर्गमूल वाला नंबर सॉल्व कर लोगे आप लोग, इतना हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक। अब देखिए अगर मैं कोई वर्गमूल वाला नंबर लिख रहा हूं, आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि इसमें से परिमेय संख्या को पहचानिए, या बोला जाएगा कि इसमें से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा थोड़ी देर में,
तो आपको जब वर्गमूल वाला नंबर आएगा तो आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। वर्गमूल वाला नंबर परिमेय संख्या हो भी सकता है और परिमेय संख्या नहीं भी हो सकता है, दोनों ही केस बनते हैं। आप क्या करोगे, उसको सरल करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है? क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, सरलतम रूप में करोगे। अगर वर्गमूल खत्म हो जाता है तो वो परिमेय संख्या होगा, वर्गमूल खत्म नहीं होगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे उदाहरण समझो, अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर वर्गमूल 5, ये एक परिमेय संख्या है क्या? ये एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है या नहीं? तो आप बोलोगे परिमेय संख्या क्या होता है सर? पी बटा क्यू के रूप में होना चाहिए और ऊपर और नीचे पूर्णांक होना चाहिए। तो इसको बोलोगे सर इसको भी मैं पी बटा क्यू के रूप में लिख सकता हूँ। जैसे कि आप 5 को आपने लिखा कि 5 को आपने 5/1 लिख दिया, ठीक है? अच्छा, अभी इसकी बात करते हैं, रूट 5 की बात करते हैं, ठीक है? रूट 5 के बारे में बताओ, इसको आपने अगर इसको लिख भी दिया कि √5/1 सर मैं लिख सकता हूँ, पी बटा क्यू के रूप में हमने व्यक्त कर दिया, मुझे बताइए पी का वैल्यू कितना है? √5 है। √5 क्या पूर्णांक है क्या? बताइए। नो सर, आप बोलोगे सर वर्गमूल वाला नंबर पूर्णांक नहीं होता है अगर वर्गमूल लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये पूर्णांक नहीं है, जबकि परिमेय संख्या में पूर्णांक होना जरूरी है ऊपर में, तो आप बोलोगे सर ये परिमेय संख्या नहीं है, ये नंबर क्या होगा? परिमेय नहीं होगा। क्लियर हुआ? वर्गमूल वाला ऐसा नंबर परिमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर है? अगर मैं यहां पर लिख दूं वर्गमूल 14, चलिए मुझे बताइए वर्गमूल 14 लिख दिया, ये परिमेय संख्या होगा क्या? क्योंकि इसको आप लिखोगे सर वर्गमूल 14 को सिंप्लीफाई भी करना चाहे, इसको ब्रेक भी करोगे तो 7 × 2 आएगा। अब यहाँ पर कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है, 7 अकेला है, 2 अकेला है, कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये वर्गमूल 14 ही रह जाएगा। इसको आप पी बटा क्यू भी लिखोगे तो √14/1, जहां पर वर्गमूल खत्म नहीं हो रहा, वर्गमूल रह गया, तो आप बोलोगे सर ये परिमेय संख्या नहीं, ठीक है? परिमेय नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, अभी ध्यान से देखिएगा, अगर मैं लिख दूं वर्गमूल 9, तो वर्गमूल 9 को आप जब सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सर वर्गमूल 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3, ठीक है? 3 को गुना करोगे 2 बार तो 9 मिल जाएगा, ठीक है? वर्गमूल को मैं वर्गमूल लिख दिया और 9 को मैं 3 × 3 लिख दिया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 आ जाएगा। अब ये सेम नंबर 2 बार लिखा गया है, 3 2 बार लिखा गया, जोड़ा बन गया, तो 1 बार बाहर आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हो ना वर्गमूल 9 का जो वैल्यू है सर ये 3 के बराबर है। 3 को आप 3/1 लिख सकते हो, अब पी बटा क्यू के रूप में आ गया, पी भी पूर्णांक क्यू भी पूर्णांक, ठीक है? तो आप बोलोगे सर ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है? तो ये अभी √9 भी एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? ये समझ में आया? तो वर्गमूल वाला नंबर परिमेय हो भी सकता है, परिमेय नहीं भी हो सकता है, मतलब आपको सॉल्व करके देखना होगा, ठीक है? तो मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं, फिर से समझा दोगे प्लीज? कौन सा, फिर से बोलिए। आप बोल रहे हो कि कुछ वर्गमूल परिमेय संख्या हो भी सकते नहीं भी हो सकते, नहीं वाला एक एग्जांपल फिर से समझा दो। ठीक है, मैं दोनों उदाहरण दिखा रहा हूँ। चलो पहले ये मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ वर्गमूल 49, अगर मैं वर्गमूल 49 लिखूँ, आप सोचो कि क्या 49 49 किसी दो सेम नंबर को गुना करने पर 49 मिलता है क्या? किसी भी दो सेम नंबर को गुना करते 7 × 7, आप बोलोगे सर 7 को 2 बार गुना कर देंगे 49 मिल जाएगा। इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, याद रखने हैं, 7 × 7 49 आ जाएगा। आप बोलोगे सर 7 × 7 का जोड़ा बन गया, 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा। यानी आप कह सकते हो ना वर्गमूल 49 जो है ये 7 के बराबर है। अब 7 को हम लिख सकते हैं 7/1, यानी ये पी बटा क्यू के रूप में आ गया, पी भी पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो √49 भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया कैसा वाला रेशनल नंबर होगा। अब देखते हैं कौन सा रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया वर्गमूल 7 लिख दूँ, ठीक है? वर्गमूल 7 अगर लिखोगे तो वर्गमूल 7, ये 7 अकेला है, ठीक है? इसको बोलोगे सर इसको भी मैं पी बटा क्यू के रूप में लिख सकता हूँ, ठीक है? तो लिखने के लिए तो आप लिख दोगे √7/1 लिख दिया, लेकिन मुझे बताइए यहाँ पर पी का वैल्यू कितना दिख रहा है मुझे, बताओ? यानी √7। तो आप बोलोगे सर वर्गमूल 7 दिख रहा है पी का वैल्यू, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, बाहर नहीं आएगा, तो आप बोलोगे सर ये √7 जो है ये पूर्णांक नहीं है, √7 पूर्णांक नहीं होता। तो आप बोलोगे सर ये पूर्णांक नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर हुआ? कैसा वाला पूर्णांक नहीं होगा।
ठीक है, तो यस सर। ऐसे नंबर पूर्णांक नहीं होंगे। जीरो के बारे में क्या बोलोगे, जीरो पूर्णांक है या नहीं है, सॉरी जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं है? यस सर है। है, जीरो परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने क्वेश्चन कर ही लिया कि -25 पी बटा क्यू के रूप में था। चलो ये क्वेश्चन मैंने कई बार पहले भी पूछ चुका हूँ आप सभी से, ये क्वेश्चन बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आपके एग्जाम में आते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? फिर से अपना आंसर चेक करो सभी लोग। क्या एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? ठीक है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं, यहां पर मैक्सिमम आंसर है नहीं, नो। तो इसका आंसर भी है नहीं, नो। ठीक है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो अगर सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होती है तो मुझे वो नंबर बताओ जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो कौन सा नंबर है? जीरो। वेरी गुड। आप बोलोगे सर जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको होल नंबर के अंतर्गत तो रखते हैं, पूर्ण संख्या में तो रखते हैं, लेकिन जीरो को नेचुरल नंबर में नहीं रखते क्योंकि जीरो से हम लोग काउंटिंग नहीं करते। और नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर होता है जिससे आप गिनती गिनते हो। ठीक है, गिनती की संख्या। तो प्राकृतिक नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होता है ना, 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, और होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो यस आप सर। बोलोगे सर, तो आप बोलोगे सर जीरो एक ऐसा नंबर है, देखो वही रीजन लिखा भी है। नहीं, अंतर क्या है? नहीं, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होती। चलो तो अगर मैं इसको उल्टा पूछूं कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, यस सर। तो बोलेंगे यस, बिल्कुल। जितने भी प्राकृतिक संख्या होंगे सारे के सारे पूर्ण संख्या होंगे। ठीक है, इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, ये मैंने पहले ही पढ़ाया है। नेचुरल नंबर एक छोटा सा सेट है, मतलब प्राकृतिक संख्या का, जहां पर एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे। इससे बड़ा कलेक्शन होता है होल नंबर का यानी पूर्ण संख्या का। इसमें नेचुरल नंबर तो सारे आ ही जाते हैं, 1 2 3 4, और इसमें जीरो भी आ जाता है। अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो इंटीजर इससे ही बड़ा एक कलेक्शन होता है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें आप बोलोगे सर जीरो भी आता है, 1 2 3 4 भी आएगा, और इधर -1 -2 भी आएगा, तो ये सारे आएंगे नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो जब भी आप बाहर से अंदर जाओगे ना, देखो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर है, तो बोलोगे सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। सारे होल नंबर देखो इंटीजर के अंदर है, तो सारे होल नंबर इंटीजर भी होते हैं, लेकिन सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि आपको देख रहे हो माइनस वाले नंबर होल नंबर नहीं होंगे, यहाँ पर जीरो दिख रहा है, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्लियर हुआ? तो अंदर जाओगे तो नहीं आएगा, बाहर आओगे तो होगा। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ठीक है, तो ये डायग्राम भी याद रखना कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, सारे होल नंबर इंटीजर होंगे, लेकिन सारे इंटीजर होल नहीं होंगे और सारे होल नेचुरल नहीं होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होगा? यस और नो, बस आपको हाँ या ना में आंसर करना है। क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होंगे? आप पूर्णांक को इमेजिन करो, पूर्णांक कैसे कैसे नंबर होते हैं, इसका आंसर क्या होगा? चलो अगर आप लोग कह रहे हो नहीं, तो मुझे एक पूर्णांक ऐसा बताओ, कोई भी एक पूर्णांक बताओ जो परिमेय संख्या नहीं है। आप लोग कह रहे हो ना नहीं, जीरो। जीरो। तो जीरो एक पूर्णांक है, जीरो तो एक परिमेय संख्या भी है ना। जीरो को मैंने बताया कि जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। आपने ही बोला था मुस्कान कि जीरो को तो 0/1 लिख सकते हैं, तो जीरो एक परिमेय संख्या भी है। ठीक है, अब बताइए अब आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना क्या होगा? तो आप बोलोगे सर जितने भी पूर्णांक होते हैं, अच्छा इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आंसर काफी लोग के गलत थे, कोई बात नहीं, अभी डिस्कस करेंगे, इसीलिए क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि अगर कुछ गलती कर रहे हो तो वो मैं समझा सकूं। जितने इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा? यस, जितने भी पूर्णांक होंगे वो सारे के सारे परिमेय संख्या भी होंगे। इसको ऐसे समझ लो, तो कभी नहीं भूलोगे आप। पूर्णांक में कितने टाइप के नंबर हो सकते हैं? तीन टाइप के ही हो सकते हैं ना, या तो जीरो होगा जो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, या तो नेगेटिव वाला नंबर होगा, या तो पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या होगा। ठीक है, इतना ही, तीन ही टाइप का हो सकता है। तो मैं तीनों का एक उदाहरण लेता हूँ।
चलो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक बार नंबर माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3। तो -3 को आप लिख सकते हो -3/1, यानी हमें दिख गया कि ये पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया है, ठीक है, ये पी बटा क्यू के रूप में आ गया, मतलब ये तो एक परिमेय संख्या है, तो नेगेटिव वाले नंबर तो परिमेय संख्या हो जाएंगे, ठीक है। 0 को आप 0/1 लिख सकते हो, तो यह भी एक परिमेय संख्या है, और पॉजिटिव वाला तो कई बार आप देख रहे हैं कि 5 अगर लिख दिया तो 5 को भी आप लिख सकते हो 5/1, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी पी बटा क्यू के रूप में आ गया। मतलब नेगेटिव वाला भी परिमेय है, पॉजिटिव वाला भी परिमेय है, जीरो भी परिमेय है। तो आप कह सकते हो सर जितना भी इंटीजर होगा सारे के सारे, सॉरी जितने भी पूर्णांक है, जितने भी इंटीजर है सारे के सारे रेशनल नंबर भी होंगे, ठीक है, आंसर होगा यस। क्लियर हुआ इतना? यस सर। क्योंकि जितने भी इंटीजर है ना, मोटा मोटी ऐसे याद रखिएगा कि जितने भी इंटीजर हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी पूर्ण संख्या है, जितने भी प्राकृतिक संख्या है, अगर मैं एक नॉर्मल एक वर्ड में लिखूं ए, तो उसके नीचे आप एक लगा सकते हो, तो एक तो लिख ही सकते हैं नीचे में, तो वो पी बटा क्यू के रूप में आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर वो परिमेय संख्या हो ही जाएगा, ठीक है। तो सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, सारे पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होते हैं, और सारे प्राकृतिक संख्या भी परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो आंसर क्या आया इसका? यस, जितने भी पूर्णांक होते हैं प्रत्येक पूर्णांक को, मान लो अगर वो पूर्णांक एम लिखा गया है, चाहे ये पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, इसको आप m/1 के रूप में लिख सकते हो, या माइनस एम लिखा रहे तो -m/1 लिख सकते हो, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो m/1 के रूप में, तो इसलिए कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब देखो मैं इसी का उल्टा अगर पूछूं, क्या सारे परिमेय संख्या पूर्णांक होंगे? क्या जितने भी परिमेय संख्या होते हैं वो सारे के सारे पूर्णांक भी होंगे क्या? जितना भी क्वेश्चन पूछना हो ये सारे एग्जाम में आ सकते हैं आपके? नहीं, अभी आंसर आ रहा है नहीं। चलो तो मुझे अगर आप कह रहे हो कि नहीं, नो, आंसर इसका नो है अगर, तो मुझे बताओ कि वो कौन सा परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या मुझे बताइए जो पूर्णांक नहीं है, एक परिमेय संख्या बताइए जो पूर्णांक नहीं है। काफी सारे बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल दो ना, जैसे कि आप लिख दोगे 3/2, तो 3/2 अगर लिखोगे तो 3/2 क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। 3/2 को आप बोल दो सर पी बटा क्यू के रूप में है, तो ये एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या 3/2 पूर्णांक है? तो आप बोलोगे सर 3/2 पूर्णांक नहीं है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, देखो 3 एक पूर्णांक है, 3 एक पूर्णांक है, 2 एक पूर्णांक है, लेकिन 3/2 पूर्णांक नहीं है। क्लियर हुआ? 4/3 लिख रही है साक्षी, ठीक है, 4/3 भी लिखोगे तो 4 क्या है? 4 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, लेकिन 4/3 पूर्णांक नहीं है, ठीक है। 4/3 पूर्णांक नहीं है, 4/3 क्या है? परिमेय संख्या है। अगर मैं दू -2/9, तो ये क्या है? परिमेय संख्या तो है, परिमेय है, लेकिन संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, ठीक है, पूर्ण संख्या भी नहीं है, पूर्णांक, पूर्णांक। पूर्णांक नहीं है। क्लियर है? तो सारे यस सर। परिमेय संख्या, तो यहाँ पर से आपने क्या नोट किया कि सारे परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होते, ठीक है, सारे परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होते। दो चीज याद रखिएगा, नोट कर लो सीधे सीधे जिस तरीके से आपने याद किया था प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में, तो याद कीजिएगा कि सभी पूर्णांक, मतलब ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सारे इंटीजर परिमेय संख्या तो होंगे, क्योंकि उसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो आप, पीछे में एक लगा सकते हो, रेशनल तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ लिख रहा हूँ बट, ये होगा, ठीक है, ये यस, ठीक है, लेकिन सभी, अगर मैं इसका उल्टा पूछूं, परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होंगे क्या? तो आप बोलोगे नो, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होंगे। क्लियर हुआ ये चीज? दो चीज याद रखना कि सारे पूर्णांक परिमेय होंगे, लेकिन सारे परिमेय पूर्णांक नहीं होंगे। आगे बढ़े, यस सर। इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब बात करते हैं किसी भी दो नंबर या दो इंटीजर या दो परिमेय संख्या के बीच में कुछ इंटीजर या कुछ परिमेय संख्या। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपसे पूछा जाए, अगर मैं यहाँ पर कुछ
नहीं, इंटीजर का मतलब देखो, यहाँ पर एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है। काफी बार आप बोल देते हो कि सर इंटीजर का मतलब, जैसा कि अभी किसी ने पूछा था, किसी ने चैट में पूछा, सारिका शायद, है ना, इंटीजर क्या सभी पॉजिटिव, देखो ऑल पॉजिटिव नहीं कर सकते, ठीक है, सारे पॉजिटिव नहीं ले सकते, क्योंकि पॉजिटिव में तो 3.4 भी आ जाएगा ना, 3.4 एक पॉजिटिव नंबर है, -2/9 एक नेगेटिव नंबर है, लेकिन ये सारे इंटीजर नहीं आते। तो इंटीजर में क्या लिखोगे, इंटीजर में बस ऑल मत बोलना, बस बोलना कि वो 1 2 3 4 जो पूर्ण संख्या वाले नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4 5, और इन्हीं के नेगेटिव, -1 -2 -3 है, ये समझ में आया। तो 1 2 3 4 5 पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये जीरो, इसको इंटीजर बोलेंगे, इसको पूर्णांक बोलेंगे, ठीक है। सारे नेगेटिव मत बोलना, सारे पॉजिटिव मत बोलना, ठीक है, क्योंकि सारे पॉजिटिव में तो 3.4 भी आ जाएगा ना, ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। चलिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ पर गलती करते हो काफी बार। चलो अभी मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर 3, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 8, मुझे बताइए इन दोनों के बीच में कितने पूर्णांक आएंगे, कितने इंटीजर आएंगे, क्या आप काउंट कर सकते हो इसको? तो कह रहे हो 4 पूर्णांक आएंगे, कौन कौन से? आप बोलोगे सर 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पर मैंने काउंट किया कि हमारे पास 4 पूर्णांक आए, है ना, तो इसको आपने क्या किया, काउंट कर लिया, ठीक है, गिनती गिन ली। ये फिक्स होते हैं, हमेशा फिक्स होगा, निश्चित होगा, जिसको आप काउंट करके बता सकते हो। मैं अगर पूछूं कि 200 और 5000 के बीच कितने पूर्णांक होंगे, जितने भी होंगे ये फिक्स होंगे ना, इसको आप काउंट तो कर सकते हो, है ना, फिक्स होगा, किसी मात्रा में होगा, 200 और 5000 के बीच में कितना होगा, इसको आप बता सकते हो, काउंट करके सारे लिख सकते हैं और उसको बता सकते हो कितने होंगे। अभी मैं पूछ नहीं रहा कितना होगा, बस आपको बताने के लिए बताया कि उसको आप गिन सकते हो। लेकिन अगर मैं यही पूछूं कि मुझे बताइए इन्हीं दो नंबर के बीच 3 और 8 के बीच कितने परिमेय संख्या होंगे, अनगिनत सर, तो आप बोलोगे सर वेरी गुड, आप बोलोगे सर अगर परिमेय संख्या जहां भी पूछ लिया गया तो इसको आप बोलोगे सर इसको काउंट नहीं किया जा सकता, इसको गिनती नहीं कर सकते, ये अनगिनत होता है, ठीक है, अनगिनत मतलब जिसकी गिनती नहीं की जा सके, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो 3 और 8 के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होगी। अब इसमें से कुछ आपको निकालने के लिए बोला जाता है कि 4 परिमेय संख्या बताइए, 5 परिमेय संख्या बताइए, ठीक है, 3, 4, 5 ही पूछा जाता है, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, इतना क्लियर हुआ। चलिए थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, मुझे बताइए अगर मैं 2 लगातार नंबर लिख दूँ, 2 क्रमागत, 2 लगातार, 2 कंजुगेटिव, कुछ ही बोल सकते हो, मैं यहाँ पर लिख दिया 5 और यहाँ पर लिख दिया 6, ठीक है, अगेन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 5 और यहाँ पर लिख रहा हूँ 6, मैं 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए 5 और 6 के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं। आप बोलोगे सर एक भी पूर्णांक नहीं आएगा, मतलब 2 लगातार नंबर के बीच में एक भी पूर्णांक नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा मतलब कह सकते हो 0 पूर्णांक आएगा, ठीक है, एक भी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं 2 लगातार नंबर के बीच में भी अगर पूछूं कि कितने परिमेय संख्या आएंगे, तो अगेन आप बोलोगे सर परिमेय संख्या की बात की जा रही है तो इनफाइनाइट होगा, अनगिनत होगा, ठीक है, ठीक है, तो अनगिनत परिमेय संख्या होगी। कैसे क्या निकालेंगे वो चीज अभी देखेंगे, क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि किसी भी किन्हीं भी दिए गए 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। अपरिमित रूप से अनेक कहने का मतलब ये है, किताब में ऐसे लिखा रहता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अपरिमित रूप से अनेक कहने का मतलब अनगिनत होता है, ठीक है, तो अनगिनत परिमेय संख्या होती है, ठीक, इतना क्लियर है। किसी भी 2 परिमेय संख्या या किसी भी 2 पूर्णांकों के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होंगे, ठीक। यस सर। अभी मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा क्या कि 2 और 5 के बीच में जो सारे अनगिनत परिमेय संख्या सारे को निकाल कर बताओ, तो ये तो नहीं पूछा जा सकता, अनगिनत नो तो आप सर, आपकी कॉपी भर जाएगी, है ना, तो अनगिनत नहीं पूछे जाएंगे। आपसे बोला जाएगा कि कोई 4 परिमेय संख्या बताइए, कोई 5 परिमेय संख्या बताइए, है ना, कुछ फिक्स पूछा जाएगा। निकालने के लिए तो हम लोग कितना भी निकाल सकते हैं, इसका कुछ रूल सिखाया था मैं, अभी रिविजन करते हैं। देखो क्वेश्चन है आपके सामने, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसमें टाइप होते हैं,
टाइप वन में मैं क्या सिखा रहा हूं, तो मिटा रहा हूं। पहला टाइप में अगर एक परिमेय संख्या आपसे पूछी जाए, कभी भी अगर दो नंबर लिखा गया, दो मान लो, अच्छा पूर्णांक लिखा गया, तो पूर्णांक भी एक तरीके का परिमेय संख्या ही है। तो एक परिमेय संख्या अगर आपसे पूछी जाए, ठीक है, तो अगर एक परिमेय संख्या पूछी जाए तो ऐसा क्वेश्चन काफी आसान होता है। सीधे सीधे आप याद करना फॉर्मूला, मैं बता रहा हूँ पहले, ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लो। अगर ए और बी दो नंबर है, इसके बीच में अगर सिर्फ और सिर्फ आपको एक परिमेय संख्या पूछी जा रही है, तो सीधे सीधे क्या करना, इन दोनों नंबर को जोड़ देना, ए प्लस बी, और दो से भाग लगा देना, तो एक परिमेय संख्या निकल कर आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ये याद कर लो, नोट कर लो। ठीक है, एक परिमेय संख्या ए और बी के बीच में, ठीक है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है ए। सर अगर सर 2 या 3 के बीच में सर परिमेय संख्या बताएं तो फिर कैसे होगा? हाँ मैं सारी चीज पे बात करूंगा, ठीक है, पहले ये नोट करो फॉर्मूला, ए और बी के बीच में क्या होगा, ए प्लस बी को जोड़ा और दो से भाग लगा दिया। चलो इसी को मैं इसको यहीं पर लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो इसी के बीच में मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ तीन और छ के बीच एक परिमेय संख्या बताइए, सिर्फ और सिर्फ एक, अगर एक परिमेय संख्या आपसे पूछी जाए, तो आप सीधे सीधे कुछ मत करना, सिंपली 3 और 6 को जोड़ देना और 2 से भाग लगा देना, तो यहां से आ जाएगा आपका आंसर 9/2। ठीक है, तो 9/2 क्या है, 3 और 6 के बीच में है। ठीक है, तो 9/2 को आप देखो दशमलव के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना, 9/2 आ जाएगा 4.5, दिख रहा होगा आपको 3 और 6 के बीच में, क्लियर है। यस बिल्कुल, सर, यस सर। तो मैं आपसे पूछूं, अगर 5 और 6 के बीच एक परिमेय संख्या बताइए, क्या बोलोगे, सिर्फ एक की बात कर रहा हूं, आंसर क्या होगा, चैट में लिख के बता दो। फाइव चैट में लिख के पॉइंट बता फाइव दो, देखो इसमें आपको दशमलव के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना, पी बटा क्यू के, देखो परिमेय संख्या की बात की जा रही है, पी बटा क्यू के रूप में ही लिखना, दशमलव के फॉर्म में मत कन्वर्ट करना। तो आप बोलोगे सर 5 प्लस 6/2, यानी आ जाएगा आपका गलती 11/2। ठीक है, दशमलव में नहीं से बदलना है, ठीक है, दशमलव में 11.2 मत लिखना, ये गलत हो जाएगा, 11/2, बोल गई थी सर पॉइंट। ठीक है, 11/2, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर पूछूँ 1 और 2 के बीच में सिर्फ एक परिमेय संख्या आपसे पूछूँ, तो क्या बोलोगे, एक परिमेय संख्या अगर पूछूँ तो, एक दो को सर प्लस कर देंगे और 2 से सर भाग कर भाग लगा देंगे। देंगे, तो बोलेंगे सर 1 और 2 को जोड़ा, 3 आया, 3/2, तो आंसर आ जाएगा आपका हमारा 3/2। ठीक है, तो एक परिमेय संख्या निकल जाएगा बहुत जल्दी से, कितना समय लगेगा, दो सर तीन सेकंड लगेगा, 2-3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो यहाँ पर तो ठीक है, आपने एक परिमेय संख्या कैलकुलेट किया, निकाला, क्या इन दोनों के बीच में एक ही परिमेय संख्या है, नहीं, यहाँ पर तो अनगिनत परिमेय संख्या है ना, इन दोनों के बीच में तो अनगिनत है, तो जरूरी नहीं कि आपको हमेशा एक ही पूछा जाए, आपसे हो सकता है कि पूछ ले क्वेश्चन में कि 1 और 2 के बीच मुझे 4 परिमेय संख्या निकाल कर बताइए। ठीक है, कितने परिमेय संख्या निकालिए, 4, तो इसके लिए क्या करेंगे, 4 परिमेय संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको मैंने पढ़ाया था कि जो भी नंबर दिए गए उसको आप लिख दो, यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर मैंने 2 लिखा, ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपको 4 परिमेय संख्या कैलकुलेट करने हैं, तो आप क्या करो, × 5 कर दो, ठीक है, आप 5 से गुना करोगे, तो पहले क्या करोगे, आप इसके नीचे भी 1 लिख दोगे, आपको पता है किसी भी नीचे के में 1 लिख सकते हैं, इसके भी नीचे में आप 1 लिख सकते हो, ठीक है, दोनों के नीचे 1 को मैंने लिख दिया 1/1, और 2 को मैंने लिख दिया 2/1, इसमें तो कोई डाउट नहीं हुआ, किसी भी नीचे में आप 1 लिख सकते हो। आपसे अगर 4 पूछा जा रहा है, तो आप 5 से गुना करोगे, अगर 10 पूछा जाता तो 11 से गुना करते, 1 बढ़ा देते हैं, 5 से गुना कहाँ करेंगे, यहाँ नीचे में गुना करोगे, अगर नीचे में गुना करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यहाँ भी नीचे में गुना कर दीजिए तो आपको ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये जो बन गया, 1 जो बन गया, इसको सोल्व करके मैं लिख रहा हूँ 5, 1 को 5 से गुना किया 5 आया, और नीचे में भी 1 को 5 से गुना किया 5 आया। देखो 1 को मैंने बदल कर लिख दिया 5/5, 2 को मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं बदल कर लिख दूंगा, ये हमारा गया 5 को 2 से गुना किया 10 आया, और नीचे में 5 को 1 से गुना किया 5 आया, तो 5/5 और 10/5 आ गया। इतना क्लियर है यहाँ तक सभी का, यस सर।
ठीक है, तो एक को मैंने लिख दिया कन्वर्ट करके 5/5, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तुल्य परिमेय संख्या, ठीक है, और दो को मैंने लिख दिया 10/5। अब यहां पर आप बड़े बोलोगे क्या पांच भी बोल रहे हो, फिर से बताइए। हाँ, सच्चे, बड़े पांच 7/5। अब वही लिखेंगे। अब यहां पर देखेंगे कि सर अब हमारा हर क्या है, देखो यहां भी 5 दिख रहा है और यहां भी 5 दिख रहा है, हर सेम दिख रहा है। अब देखो 5 और 10 के बीच में काफी सारे गैप मिल गए आपको, 5 और 10 के बीच में काफी सारा गैप मिल गया, उसके बीच के सारे नंबर लिख दो, 6, 7, 8, 9, और नीचे में सभी के नीचे आप 5 लगा दो, क्योंकि यहाँ भी 5 है हर में और यहाँ भी 5 है, तो सभी के नीचे आप 5 लगाते हो, ठीक है। तो ये आपको दिख रहे होंगे अभी कि हमें 4 परिमेय संख्या निकल कर आ गए, ठीक है, तो ये 4 परिमेय संख्या आ गए। क्लियर हुआ इतना कैसे कैलकुलेट किया, छः यस बटा सर, पाँच 7/5, 8/5 और 9/5, 4 परिमेय संख्या। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 और 2 के बीच में 4 ही परिमेय संख्या होंगी या 4 ही पूछे जाएंगे, हो सकता है आपसे 6 परिमेय संख्या पूछ ली जाए, तो 6 पूछा जाएगा तो 7 से गुना कर देना, ठीक है, इतना क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा, थोड़े देर में हो सकता है स्क्रीन नहीं दिखे अभी आपको, ठीक है, थोड़ी देर वेट करते हैं। चलिए मुझे बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 और 2 के बीच में 8 परिमेय संख्या निकालिए, तो आप कौन से नंबर से गुना करोगे? नो से आठ, सर। तो 9 से गुना कर देंगे उसको, 1 को 1/1 लिख देंगे, 2 को 2/1 लिख देंगे, और ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे 9 से गुना कर देंगे। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, अभी कुछ देर के लिए स्क्रीन नहीं दिखेगी, फिर से दिखेगी तो बताइएगा, ठीक है। चलो अभी तुरंत से आपको स्क्रीन दिखने लगेगी, बताइएगा एक बार, चैट सेक्शन में वाई लिख देना या कोई भी बच्चा माइक ऑन करके बता देना, दिख रही है अभी, ठीक यस सर। है। अभी देखो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या बताइए। चलो सबसे पहले मुझे बताओ कि 3/5 और 4/5 के बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं, कितने परिमेय संख्या हो, इनफाइनाइट यानी अनगिनत होंगे, ठीक है, अनगिनत होंगे। अब अनगिनत होंगे तो अनगिनत आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से 5 परिमेय संख्या बताइए, कोई सा भी 5 बता दो, तो आप क्या करोगे, आप बोल दोगे सर 5 पूछा जा रहा है तो मैं 6 से गुना करूंगा, किसमें 6 से गुना करोगे, आप बोलोगे सर सबसे पहले यहाँ पर लिख दोगे 3/5, यहाँ पर लिख दोगे 4/5, हर हमें क्या दिख रहा है, डेनोमिनेटर सेम दिख रहा है दोनों का, तो डेनोमिनेटर अगर सेम है तो आपसे अगर 5 परिमेय संख्या पूछी जा रही है तो आप मल्टीप्लाई में 6 कर दो, 1 बढ़ा करके आप गुना कर देते हो, तो नीचे में आप 6 से गुना करोगे, यहाँ भी 6 से गुना करोगे, यहाँ भी आप 6 से गुना करोगे, और वेरी गुड मुस्कान, आपका आंसर भी आ चुका है और सभी आंसर सही है, वेरी गुड, ठीक है, 6 से गुना किया। अब ये जो है ये हमारा बन गया 18/30, ठीक है, ये जो बदल कर लिख दिया हमने, 6 को 4 से गुना किया तो ये मिल गया 24, और ये मिल गया 6 को 5 से गुना किया 30। यहां तक क्लियर है सभी का, कि 3/5 को मैं बदलकर 18/30 लिख दिया, 4/5 को बदलकर मैं 24/30 लिख दिया, ये जो आपको 18/30 दिख रहा है ये 3/5 का ही एक रूप है, 18/30 वही लिखा गया है, ठीक है, बस ऊपर और नीचे नंबर सेम नंबर से गुना करते तो बदलता नहीं है। हाँ बताइए, सर हम इसे ऐसे नहीं कर सकते, 3 × 10, 5 × 10, 4 × 10, 5 × 10। मतलब किसी भी नंबर से आप गुना करना चाह रहे हो, यस सर। देखो किसी भी नंबर से गुना करोगे ना तो कई बार क्या होगा, करने के लिए कर सकते हैं कि आप रैंडम किसी नंबर से गुना करो, लेकिन कई बार होगा कि आपसे 5 परिमेय संख्या पूछी जाए और गैप आपको सिर्फ 4 का मिले, ठीक है, जितने बड़े नंबर से गुना करोगे उतना ज्यादा गैप मिलेगा, गैप कहने का मतलब देखो 18 और 24 के बीच, 3 और 5, 3 और 4 के बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है, अंश को देख रहा हूँ, लेकिन 18 और 24 के बीच में आपको कुछ गैप दिख गया, ठीक है, यहाँ पर मुझे 6 परिमेय संख्या दिख जाएंगी, अगर और बड़ा नंबर से आप गुना करोगे और ज्यादा गैप मिलेगा, ठीक है, तो गुना करने के लिए आप कर सकते हो, आंसर आपका सही आएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जनरली क्या करते हैं, 5 अगर पूछा जाए तो 6 कर दो, ठीक है, करने के लिए आप 10 से भी करोगे तो आंसर आ जाएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है, यस समझ में आया, सर। ओके, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अब दिख रहा है हमें हर, यहाँ भी 30 है
यहाँ भी 30 है, तो हर तो फिक्स हो गया, 30 रहेगा। अब 18 और 24 के बीच सारे नंबर लिख दो, यहाँ पर आंसर मुझे 18 दिख रहा है, यहाँ 24 दिख रहा है, तो 18 से नंबर लिखना स्टार्ट करो, 19, 20, 21, 22 और 23। सभी के नीचे क्या लिखोगे? सभी के नीचे 30 लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि हर में 30 है हमारा। तो ये क्लियर है सभी का? ये क्लियर? ये देखो आपको कितने मिल गए, 5 परिमेय संख्या मिल गए, ठीक है, 5 परिमेय संख्या मिल गए, क्योंकि 6 से गुना किया था तो 5 मिल गए। इतना क्लियर है? अगर सर छह पूछी जाए और हम गलती से 10 से कर दे तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया, राइट हो, गलत होगा सर? चलो ठीक है, मैं करके ही दिखा रहा हूँ। चलो इसमें मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 3/5 और यहाँ पर लिख दिया 4/5, इसके बीच में आपसे पूछा जा रहा है कि 6 परिमेय संख्या निकालिए। तो मैंने आपको क्या सिखाया? आपको बताया कि अगर 6 परिमेय संख्या निकालना है तो आप 7 से गुना कर दो, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हो कि चलो सर अगर मैं 10 से ही गुना कर दूँ तो क्या होगा? चलो मैं 10 से गुना करके दिखाता हूँ। आप अगर 10 से गुना करोगे तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा आपका। देखो मैं 10 से अगर गुना करूं तो आप बोलोगे सर यहाँ बन जाएगा 30, यहाँ पर बन जाएगा 50, यहाँ पर बन जाएगा 40 और यहाँ पर बन जाएगा 50, ठीक है। अब 30 और 40 के बीच में काफी सारे नंबर लिख सकते हो, 50 50 तो सेम है। यहाँ पर आप लिख सकते हो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, है ना, और सभी के नीचे आप 50 लिख दोगे। बताइए, ये क्लियर है इतना? यस सर, मैं बस ये पूछ रही थी कि अगर हम कभी ऐसा कर दे तो हमारा आंसर गलत तो नहीं सरे होगा ना? हाँ बिल्कुल सही होगा, कोई भी गलती नहीं। अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर आपसे 6 परिमेय संख्या पूछी जा रही है, तो इसमें से कोई भी एनी 6 आप चुन सकते हो, कोई भी 6 चुन लोगे आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि शुरू के ही 6 चुनो, कोई भी इसमें से कोई भी, कितने नंबर दिख रहे हैं यहाँ पर आपको, 1 2 3 4 8 9 है ना, 9 में से कोई भी 6 चुन लो। ओके क्लियर? यस सर, तो अभी आगे बढ़ते, अच्छा मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है, आपके एग्जाम का जो मैं क्लास के स्टार्टिंग में भी दिखाया था। चलो अभी ट्राई करो इसको सॉल्व करने की। अच्छा इस क्वेश्चन के पहले मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, मुझे बताइए 3/5, या मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके, मैं लिख रहा हूँ 5/13 और यहाँ पर लिख देता 8/13, क्या 5/13 और 8/13 के बीच में 7/13 आएगा? क्या इनके बीच में 7/13 आएगा, यस और नो? सर? यस सर, बिल्कुल यस दिख रहा सर, है, नीचे में तो 13 सेम है, यहाँ पर 5 और 8 के बीच में 7 आ जाएगा, तो 7/13 इसके बीच में आएगा, यस। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 3/13 इसके बीच में आएगा क्या, तो नो सर, बोलेंगे सर 13 नीचे में तो सेम है, अंश को देखते हैं, तो यहाँ पर 5 और 8 के बीच में 3 नहीं आता, तो 3/13 इसके बीच में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया था इसलिए पूछ लिया। सर अगर इनके बीच 2 परिमेय संख्या पूछे तो 3 से मल्टीप्लाई करने की बजाय सीधा ही 6/13 और 7/13 कर सकते हैं ना? क्वेश्चन बोलो फिर से, 1 सेकेंड आप बताओ। हाँ कौन से दो नंबर, फिर से बोलिए, हाँ नंबर बता दो, कौन से दो के बीच में आप बोल रहे हो? चलो ठीक है, आपका जो डाउट है ना क्लास के एंड में एक बार पूछ लेना, ठीक है, क्लास लेफ्ट मत करना और क्लास के एंड में एक बार डिस्कस कर लेंगे, सर आपकी ठीक है। आवाज चल कट रही थी बीच में, सुना नहीं कुछ भी। यस अभी क्लियर है आवाज? सर, अभी अभी तो आवाज क्लियर है, तब क्या अच्छे बोल रहे तब नहीं सुना, आवाज कट रही थी, तो ठीक है, बिल्कुल अभी बंद हो इसको गई। करते हैं, ठीक है, अभी कोई भी डाउट होगा तो क्लास के एंड में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी कुछ 3 4 क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं और जूम कर दे रहा हूँ ताकि एक बार में एक क्वेश्चन दिखे। चलो यहाँ बताइए इसमें से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ रेशनल नंबर। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये प्लस का 16 है, ठीक है, ये माइनस का 16 नहीं है, प्लस का 16 है। चलो बताओ कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, साफ सर दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि आप बोलोगे सर 0 तो परिमेय संख्या होता ही है, ये तो हमें साफ याद है कि 0 को 0/1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। √16 को आप कहते हो कि सर √16 के बारे में अभी कई बार डिस्कस किया, इसको 4 लिख सकते हैं ना, 4 × 4 का जोड़ा बना सकते हैं, तो आप बोलोगे सर ये तो 4 आ जाएगा, 4 को 4/1 लिख देंगे, है ना, तो p/q के रूप में आ गया, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसी तरीके से √4 को भी आप लिख सकते हो, वर्गमूल 2 × 2, और इसको सॉल्व करने पर 2 आ जाएगा, है ना, तो ये भी p/q के रूप में आ जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। वर्गमूल 2 इसको सॉल्व करोगे तो आप इसमें कोई भी जोड़ा नहीं बना पाओगे,
इसका वर्गमूल खत्म नहीं होगा, तो आप इसको अगर वर्गमूल 2/1 भी लिख दोगे तो ये पूर्णांक नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा सही उत्तर है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, देख रहे हो कितना आसान सा क्वेश्चन आया है, ठीक है। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, अगले क्लास में करते हैं इसको, कि 12 वाला क्वेश्चन, 0.47 बार अगर लिखा गया तो इसका क्या मतलब होता है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। ये बताइए, 3 और 4 के बीच में आपसे एक परिमेय संख्या पूछा जा रहा है, एक नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से आपको बताना है, काफी आसान सा है, सिर्फ एक अगर पूछा जाए, वन रेशनल नंबर पूछा जाए तो कैसे करोगे। इसमें कोई मेथड नहीं है, आपको सीधे सीधे फॉर्मूला बताया, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4, आपको पता है ए प्लस बी बटा 2 करना है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 3 प्लस 4 बटा 2, यहां से आ जाएगा आपका 7/2 हमारा आंसर, क्लियर है। कितना देर लगेगा, 2-3 सेकंड में आंसर आ जाएगा, यस सर, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देना और 2 से भाग लगा देना। अगर यहाँ पर 4-5 पूछा जाता तब तो हम लोग पूरा मेथड करते, लेकिन एक पूछा जा रहा था तो काफी जल्दी से कर दिया, एक नंबर में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, इजी जी आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, दिख रहा है 4/5 और 9/5 के बीच में कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। तो आप अगर लिखना भी चाहो ना, ऐसे तो साफ दिख रहा है आंसर, लेकिन आप अगर लिख 3/5 आंसर साफ दिख रहा है कि ऑप्शन ए होगा, लेकिन अगर आप लिखना भी चाहो तो बोलोगे सर हर दिख रहा है कि 4/5 है, 9/5 है, सेम है, तो यहाँ बोलोगे सर नंबर अगर लिखो तो 5/5, 6/5, 7/5 और 8/5 आ जाएंगे। तो 5/5 बीच में है, 8/5 बीच में है, 6/5 बीच में है, तो ये सारे आंसर नहीं हो सकते, 3/5 इसके बीच में नहीं होगा, है ना, तो ये हमारा सही उत्तर होगा, क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लोगे सभी लोग, यस सर, काफी आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब रह क्या गया, एक 12 वाला क्वेश्चन, देखो इसके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि बार का मतलब क्या होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा, कि वही इसको अगले चीज क्लास बार बार आती है, उसको कितनी बार हाँ डिवाइड या मल्टीप्लाई। 0.47 बार है, तो इसका मतलब क्या होता है, 0.47 रिपीट हो रहा है, 4747 4747, ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक ये बढ़ते जाएगा, अनगिनत तक, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा अगर पी बाई क्यू के रूप में लिखे तो कैसे करेंगे, अगर मैं इसको लिख दूँ 0.3 बार, तो ये होता है 0.3333, ऐसे चलते जाएगा, जिस पे बार है ना वो चलते जाएगा अनंत तक। अगर मैं लिख दूँ 0.529 और यहाँ पर बार लिख रहा हूँ, देखो बार सिर्फ 29 पर है, तो इसको आप बोलोगे सर 0.5 लिख देंगे और 29 रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखोगे 29 29 29 29, ऐसे चलते रहेगा। ये समझ में आ रहा है कि बार का मतलब क्या होता है, यस सर, ठीक है, तो ये अनंत तक जाएगा। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है आज के क्लास में तो अभी रुक कर पूछ लेना। नो सर।